नमस्कार। देखिए, वो बार बार लोग अलग अलग भाषा से कह रहे हैं, एमसीसी ने भी एक सर्कुलर डाल दिया फाइनली, क्योंकि पहले एनटी डाल रहा था, तो पहले एनटी ने डाला था कि देखिए हमें कुछ नहीं पता, हमारा काम तो पेपर कराने का था, हमने करा दिया है, और अब काउंसलिंग तो एमसीसी के जिम्मे, आप उससे पूछिए, क्योंकि लोग बार बार एनटीए को फोन कर रहे थे, और एमसीसी ने भी सेम चिपका दिया है कि जो ऑल इंडिया कोटा में ओबीसी और ईडब्ल्यूएस आए थे, उसको लेके जो केस चल रहा है, उसको लेके जो एनालिसिस चल रहा है, उसकी जो डेट है वो 6 जनवरी है। सो सैड टू से ये सच्चाई है कि अब जो असली काउंसलिंग है वो जनवरी में स्टार्ट होगी, और अगर 6 जनवरी को देखे जब सुनवाई होगी, और हम ये मान के चलें कि वो उसी दिन फैसला कर दें, तो बाई चांस 8 और 9 तारीख को सैटरडे संडे है, तो अर्लीस्ट पॉसिबल डेट अगर आप ये मान के चलिए आज, वो 10 जनवरी है, जो कि अर्लीस्ट पॉसिबल है। तो लोग बार बार मुझे फोन करते हैं, सर वो पंजाब ने फॉर्म भरवा लिया, गुजरात ने भरवा लिया, अगर हम बड़े स्टेट्स की बात करें, हिमाचल का समय चल रहा है, और छोटे मोटे आसाम और अरुणाचल ने तो अपनी एडमिशन भी कर दी है राउंड वन की, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो देखिए वंस अगेन, वो उन्होंने क्या कर दिए, या तो भाई मैं क्या बोलूं, कल किसी ने मुझे अखबार की क्लिपिंग भेजी, और मुझे कभी कभार हंसी आती है कि अटल यूनिवर्सिटी, जो कि अब हिमाचल प्रदेश की काउंसलिंग अथॉरिटी भी हो गई है, और सारे के सारे हिमाचल प्रदेश के मेडिकल कॉलेजेस अब अटल मेडिकल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी के अंडर आ गए हैं, जो कि मंडी में स्थित है, उसके वीसी ने स्टेटमेंट दिया या किसी को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हम तो 15 दिसंबर से बैच चालू करने वाले हैं, तो हमारे काफी क्लाइंट्स जो हिमाचल से बिलोंग करते हैं उनके फोन आने लग गए, सर ध्यान कीजिए, आपने तो अभी चॉइस फिलिंग हमसे मतलब चॉइस फिलिंग करी नहीं, आपने खाली फॉर्म ही भरा है, और यहाँ पर तो अखबार में छप गया है कि 15 तारीख से कॉलेज स्टार्ट हो रहा है। मुझे ये कहना पड़ा, मैं कह सर देखिए, और ये जिस भी इंसान का इंटरव्यू दिखाया गया है वो वाइस चांसलर है उस यूनिवर्सिटी के, अब मैं वीडियो पे बस बोलना नहीं चाहता, सरकारी लोगों की महिमा का गान नहीं करना चाहता, लेकिन या तो जो वाइस चांसलर बने हैं यूनिवर्सिटी के, उन्हें पता ही भी नहीं है कि एमबीबीएस काउंसलिंग इंडिया में कैसे होती है, और 15 तारीख को सिर्फ 7 दिन बचे हैं, और वो 6 दिन बचे हैं, और वो ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि 15 से तुम बैच चालू कर देंगे, जबकि अभी राउंड वन का सिर्फ उन्होंने फॉर्म भरवाया है, और जैसा मैं पहले भी कहता था दावे से, चाहे वो पंजाब के फॉर्म निकले थे, कि कोई भी चॉइस फिलिंग भी नहीं करवाएगा, वो खाली फॉर्म लेके बैठ गए हैं, गुजरात ने फॉर्म दोबारा खोल दिया, कोई बड़ी बात नहीं, पंजाब भी खोल दे 10 दिन बाद, कोई बड़ी बात नहीं, हिमाचल भी खोल दे, लेकिन शायद, तो आप लोग जो भी भरना चाहते हैं समय से भरिए, अभी भी इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी का खुला हुआ है, मंगलवार तक है, दिल्ली डोमिसाइल प्लस एसीएमएस वालों के लिए, हिमाचल का कल तक है, जो गुजरात दोबारा खुला हुआ है, पंजाब खुल सकता है दोबारा, ना भी खुले, पॉइंट मेरा वही है कि इंडिया में एक सिस्टम, एक प्रोसेस है, जब तक 15% ऑल इंडिया कोटा की सीट्स हैं, और उसी लिए सारा झगड़ा हो रहा है, तो फिर कोई भी स्टेट कैसे करेगा पहले, क्योंकि वो जो ऑल इंडिया कोटा से बच्चे सीटें बचती हैं राउंड टू में, वही वापस स्टेट में आती हैं, लॉजिक समझिए। सिमिलरली अगर आप एक छोटे स्टेट के टॉपर हैं, वही अरुणाचल प्रदेश का जो 670 नंबर वाला है, पंजाब के जो 660 नंबर वाले हैं, देखिए वो पंजाब में नहीं पढ़ना चाहते, तो एम्स में आना चाहते हैं, मौलाना आजाद में आना चाहते हैं, केजीएमसी लखनऊ में जाना चाहते हैं, एसएमएस जयपुर में जाना चाहते हैं, ग्रांड मेडिकल कॉलेज मुंबई में जाना चाहते हैं, चंडीगढ़ में जाना चाहते हैं, वो कैसे जाएंगे अगर वो जीएमसी फरीदकोट में फंस गए तो, राइट, तो वो नहीं फंसना चाहेंगे। इसलिए काउंसलिंग तो स्टेट्स की तभी होगी, जो हर साल ट्रेंड चलता है कि पहले एमसीसी वाली ऑल इंडिया कोटा की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की ही स्टार्ट होगी, अगर उनकी काउंसलिंग 11 जनवरी को स्टार्ट होगी, तो फॉर्म ऑफकोर्स जैसा मैंने कहा, जब भी फॉर्म निकलेंगे हमें भर देना चाहिए, हम आपको बताते रहेंगे, अपने क्लाइंट्स को हम बताते ही रहते हैं, लेकिन मैं प्रैक्टिकली बताऊं तो जो काउंसलिंग है वो अगर 11 जनवरी को भी स्टार्ट होती है, तो आप मान के चलिए कि 1 मार्च से पहले सेशन स्टार्ट नहीं होगा, 2 महीने से कम तो खैर क्या ही समय लगेगा। इसका इम्पैक्ट ये है, एक और इम्पैक्ट है कि एमबीबीएस अब्रॉड, जो कि कम्पीट करता है एमबीबीएस इंडिया से, और काफ़ी बच्चे हैं जो अभी कन्फ्यूजन में रहते हैं कि ठीक है इंडिया ही काउंसलिंग देख लेते हैं फिर बाहर जाएंगे, तो उन लोगों को अभी डिसीजन लेने का टाइम आ गया है कि आप सोचिए कि हमें क्या करना है, क्योंकि तो जब तक एमबीबीएस इंडिया का रिजल्ट आएगा तब तक तो फिर बहुत लेट हो जाएगा आपके अब्रॉड के सेशन के लिए। काफ़ी बच्चे थे मेरे पास भी कुछ 550 की रेंज में कि चलो सर कोशिश कर लेते हैं, अगर इंडिया में मिलकर ठीक है नहीं तो फिर बाहर चले जाएंगे, तो आई थिंक उन लोगों को अब वो डिसीजन
लेना ही पड़ेगा कि भाई हमें क्या करना है। छोटी सेशन तो मतलब काउंसलिंग तो फेब्रुअरी से पहले खत्म नहीं होगी और तब तक बाहर के एक्चुअली बाकी सब ऑप्शंस खत्म हो चुकी होंगी। अब कई यूनिवर्सिटीज ये भी कर रही है कि MBBS BDS और आयुष मतलब इन तीन चार कोर्स के अलावा वो हर जगह एडमिशन खत्म कर रहे हैं। और पहले लोग ये भी देखते थे कि चलो MBBS देख लेते हैं, नहीं तो BDS, नहीं तो आयुर्वेदिक होम्योपैथिक नर्सिंग, नहीं तो कुछ और। अब मान के चलिए कि आपको कुछ और का फैसला पहले ही करना पड़ेगा क्योंकि MBBS BDS आयुष तो सबसे लास्ट में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सो इसके हिसाब से आप अपने डिसीजन अपनी स्ट्रेटजी बनाइए। धन्यवाद।